ये अशोक सम्राट का दुनिया का पहली गुफा है, पहले गुफा है, पहला गुफा मैन मेड जो इंसान ने बनाया है। हैं इस वक्त हम हैं जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में, और इस पहाड़ी का महत्व जो है ऐतिहासिक है, धार्मिक है। ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के लोकल गाइड हैं। अच्छा, ये दुनिया का पहली गुफा माइंड मेड है। यहाँ सर लिपिग्राफी लैंग्वेज पाली है सर, जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि माने ज्ञान होता ना सर। यहाँ देखिए लिखा हुआ सर क्लेश कांता, लिपिग्राफी लैंग्वेज पाली। आइए, जो पॉलिस है ये सब अशोक शाही है सर। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत काफी समृद्ध रही है। बिहार के सीने में न जाने कितने ऐतिहासिक विरासत दफन हैं, और अपनी इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण बिहार की पहचान आज पूरे विश्व में है। बिहार में कई ऐतिहासिक विरासत हैं, उन्हीं विरासतों में एक है बराबर की गुफाएं, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड में बराबर की पहाड़ियों पर विराजमान है। ये प्राचीन गुफा हमें सीधे मौर्य वंश के काल में ले जाती है। इस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व का पहला मानव निर्मित गुफा है। बराबर की पहाड़ियों पर मुख्य रूप से चार गुफाएं हैं, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व जोपरी। यहाँ बनी सारी गुफाओं को विशाल ग्रेनाइट चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 322 से 185 ईसा पूर्व करवाया गया था। सुदामा गुफा की एंट्रेंस वॉल और दरवाजों पर कई शिलालेख हैं, जो बताते हैं कि यहाँ कभी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये गुफाएं मगरमच्छ के समान नजर आने वाली चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, जिसे देखकर ये मानना है कि ये गुफाएं 2400 साल पुरानी हैं। थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, गुफा के अंदर दीवार की सतह अभी भी इतनी चिकनी है कि दीवार पर तस्वीरें दिखाई देती हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं सुदामा गुफा में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम हैं जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में, और इस पहाड़ी का महत्व जो है ऐतिहासिक है, धार्मिक है। ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के लोकल गाइड हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नंदू पासवान, मैं यही देख रेख करते हैं और ये मेंटेनेंस करते रहते हैं। ये अशोक सम्राट का दुनिया का पहली गुफा है, पहले गुफा है, पहला गुफा मैन मेड जो इंसान ने बनाया है। निर्माण किसने कराया था? अशोक सम्राट। कब निर्माण हुआ था? 252 BC, दुनिया का पहली गुफा है। अच्छा, अब पूरे दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है सर। क्रोकोडाइल, हाँ। अब गुफा के पास ले जाके थोड़ा इसके ऐतिहासिक महत्व को बताइए। ये गुफा है सर जो पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है, और जितने गर्मी करेंगे सर उतने ठंडी है, और जितने ठंडी करेंगे उतने गर्मी है सर इस गुफा के अंदर। जी, ये को पॉलिश है, ऐसा पॉलिश है सर कि अभी चेहरा में उसमें डबल फोटो हो सकता है सर। हाँ जी, यूमर इसलिए बंद रहता है कि कोई गुंडा ना घेरा बैठ के गांजा सिगरेट स्मोकिंग किसी की तरह से कुछ भी करता है। इस तरह के कितने गुफाएं हैं यहाँ? यहाँ चार गुफा है। अच्छा, और तीन गुफा अशोक के पोता ने बनाए हैं। अच्छा, जो नागार्जुन नाम का नागार्जुन नाम का कोई बहुत बड़ा राइटर था। राइटर थे, 214 BC के बना हुआ है। 214 BC का जी। अच्छा, अब बाकी जो पहला गुफा जो जिसको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, इस दुनिया का पहली गुफा है। अच्छा, इसका निर्माण अशोक ने किया। यहाँ अशोक ने चार गुफा बनाया है। पहला गुफा है सुदामा, दूसरा है कर्ण जोपाल, और तीसरा है लोमस, और चौथा है विश्व झोपड़ी, जिसका विश्व मित्र गुफा कहते हैं जी। तो सबसे मुख्य गुफा कौन सा ये है? वर्ल्ड का पहला मेडिटेशन हॉल है। अच्छा, मेडिटेशन के लिए इसको बनाया गया था, शांति की तलाश में। इसका दरवाजा भी अलग ढंग का है जी। ये दरवाजा तो नया बना होगा, उस समय का दरवाजा नहीं होगा। ये दरवाजा भी 2001।
ये लिपि आपका ब्राह्मी है सर। अच्छा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। लिखा हुआ सर लजीना मने राजा के नाम प्रियदशी। अच्छा मतलब प्रियदशी कहते थे अशोक का, लजीना कहते थे राजा का। हाँ। ये 12वें वर्ष गांठ के जी का है सर। अच्छा ये दुनिया का पहली गुफा माइंड में है। यहाँ सर लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है सर। हाँ। जो लिखा हुआ बुद्धि मूल बुद्धि मन ज्ञान होता ना सर। यहाँ देखिए लिखा हुआ सर क्लेश कांता लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली। आइए जो पॉलिश है सब अशोक शाही है सर। देखिए सर ये सब के लिए गुफाया नहीं है, घूमने के लिए आप उसी में खोलेंगे। हल्ला कोई गुंडा लग गया अद्भुत वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। मैं पूरे चरण को लगातार किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। जल में गर्मी करें उतने ठंडी गुफा, जो कि एकमात्र ऐसी गुफा है जिसके प्रवेश द्वार पर अद्भुत नक्काशी का काम देखा जा सकता है। इसके द्वार पर वास्तुकला के कुछ अलंकृत विवरण हैं, जो बाद में चट्टानों की खुदी गई गुफाओं के लिए चलन बन गया। इस प्रवेश द्वार पर बने मेहराब पर जाली का काम किया गया है, तो निचले अर्धवृत्त पर बारीकी से उत्कीर्णित हाथियों की पंक्ति है, जो स्तूपों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पत्थर पर किया गया ये नक्काशी का काम लकड़ी की कारीगरी से प्रेरित है। पत्थर की कारीगरी से पहले लकड़ी की कारीगरी ही चित्रकला का प्रसिद्ध माध्यम थी। जब इन गुफाओं का निर्माण हो रहा था, तब पत्थर की कारीगरी चित्रकला की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रही थी। 241 सर। ये कौन से लिपि में लिखा हुआ है? खरोची खरोठी। तो अशोक के समय कौन कौन सा लिपि चलता था? ब्राह्मी और पांच लिपि चलते थे सर, ब्राह्मी खरोष्टी पाली मोखरी या संख लिपि। जी पांच लिपि दिखावेंगे सर। अच्छा आपको इतिहास का इतना अच्छा ज्ञान कैसे हो गया? मैंने रहते रहते अभ्यास हुए सर। एक से एक यहाँ रिसर्चर आते हैं, एक से एक विद्वान आते हैं, एक से एक सब आते हैं सर। मैं टाइम मुसर देते हैं और कुछ सीखते हैं कुछ सिखाते हैं सर। ये नहीं कि मैं इतना पढ़ा लिखा है, मैं ही प्राइवेट जॉब में घुमाते फिराते हैं और 24 साल बीत गए। वाह लगन से लोग के साथ जी। ये नहीं कि हाँ मेरे कोई घमंड नहीं है कि मैं जी यहाँ तुम लोग पता ना हुआ। आ जाइए देखिए।
मुकुट है। और आप पंजाब फोटो ले जाइए कि पहाड़ उठा के हम बड़ावा से लेने जा रहे हैं, बहुत सुंदर फोटो आएगा। इस मोबाइल में साथ से खींचने वजह दीजिए। अब आपको ले चलते हैं करण चौपर गुफा, जिसमें बहुत पुराने 245 ईसा पूर्व के शिलालेख मौजूद हैं। इसमें अशोक के 19वें वर्ष के शासनकाल का शिलालेख मौजूद है। शिलालेख के अंत में उल्टा स्वास्तिक बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये बौद्ध भिक्षु के लिए बनाई गई थी। गुप्त वंश के एक शिलालेख के अनुसार इसे दरिद्र कंतारा यानी भिखारियों की गुफा कहा गया है। यहाँ देखिए लिपि ब्रह्मी लैंग्वेज पाली है, लिखा हुआ बुद्धि मूल, यहाँ लिखा हुआ विकट, बड़े संकट से काटा गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ चंचल रही है, यहाँ कर्म करिए, देखिए कर्म लिखा हुआ, यहाँ लिखा फिर लजीना मन राजा की नमी प्रिय दशी। ये देखिए सर, वर्ल्ड में इसको पढ़ाई नहीं है, समझिए संख लिपि का कोई नहीं पढ़ा है। बराबर गुफा के पास एक और गुफा भी स्थित है, नागा अर्जुनी गुफा, जो बराबर गुफा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही गुफाएं एक ही समय की हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सतघर के रूप में जाना जाता है। बिहार में कई ऐसे दुर्लभ ऐतिहासिक विरासत मौजूद हैं, जिन्हें संरक्षित और पर्यटन के तौर पर और विकसित करने की जरूरत है। तो आपको हम दिखा रहे थे बराबर पहाड़ की ये गुफाएं, मौर्यकालीन गुफा है, और यहाँ के स्थानीय जो गाइड हैं उन्होंने बहुत ही बारीकी से इसके इतिहास को बताया है, समझाया है। हम आगे भी बिहार के किसी कोने की आपको इसी तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।